हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और हम लोग अब अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ओम्स लॉ से चालू कर रहे हैं। ओम्स लॉ से स्टार्ट इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी करते, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है ना, समय भी अपने पास कम है। देखो, ओम्स लॉ वैसे तो बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं ओम्स लॉ के अंदर, लेकिन जो मेन पॉइंट है, जहाँ से अपने को एग्ज़ाम में काम आना है, वो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ को अगर डिफाइन कर दें तो डिफिनेशन क्या है? द लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, सबसे बड़ी बात है कि ये लॉ कहता क्या है, ये करंट और वोल्टेज के बीच में, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या एस्टेब्लिश करके देता है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके देता है। आगे देखें वो रिलेशन भी क्या है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीज़, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर कोई वायर में, कोई सर्किट में टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, क्या कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे किसी सर्किट में, किसी वायर में, तो उसमें जितना करंट फ्लो करेगा, उसमें जितना करंट फ्लो करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या कि जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़े। तो एक बार बढ़ाएं मतलब एक यूनिट बढ़ाएं तो एक यूनिट वोल्टेज बढ़ गया, दो यूनिट बढ़ाएं दो यूनिट वोल्टेज बढ़ गया, तीन यूनिट बढ़ाएं तीन यूनिट, यानी कि जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, करंट को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वोल्टेज भी अपने आप बढ़ रहा है। तो ये रिलेशनशिप ये स्टेट करता है, ये बताता है, ठीक। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझा दिए, ये होता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब याद रखना कि मैथ्स में या फिजिक्स में जहाँ भी कभी भी अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, ये मेरा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहाँ पे हमेशा, जब वो हटता है तो हमेशा क्या आता है, वहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। क्या आता है? कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू लगा रहे हैं, इसके साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा क्या? अच्छा, इसको ऐसे लिख दो पहले, तो देखना तो इसको इस तरीके से लिख दो, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर आई वी के प्रोपोर्शनल तो वी भी आई के प्रोपोर्शनल। अब देखना, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से हटाएंगे तो आई के साथ एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या कहते हैं, आर। आई के साथ एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या नाम देते हैं, आर कहते हैं, ठीक है। अब ये आर क्या है, उस पर पूरा डिस्कशन आ जाता है कि यहाँ पे वी क्या है, वो तो वोल्टेज है। वोल्टेज क्या मतलब, माने माने पोटेंशियल डिफरेंस है भाई। आई क्या है, आई इलेक्ट्रिक करंट है। इसमें मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इसमें करते हैं एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो सारा फोकस अपना आ जाता है इस आर पे, स्लाइड ऐड कर रहे हैं। ये आर क्या है, इस आर को कहते हैं, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, कांस्टेंट कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो ये कांस्टेंट है जिसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में जरा कुछ बात समझ लो, ये रेजिस्टेंस क्या होता है सर? तो रेजिस्टेंस क्रिएट्स, देखो बड़ा शॉर्ट में डिफाइन कर दे रहे, क्रिएट्स हिंड्रेंस, हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, इन द फ्लो ऑफ करंट। तो जो जो चीज़ करंट के फ्लो में हिंड्रेंस पैदा करे, करंट फ्लो करना चाह रहा है लेकिन उसको रोके कि नहीं तुम नहीं जा सकते, शांति से उधर खड़े रहो, नहीं नहीं तुमको नहीं जाने देंगे भाई, तुमको नहीं जाने देंगे। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं करंट को फ्लो करने में, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो उसी वही रेजिस्टेंस क्या क्रिएट करता है, फ्लो ऑफ करंट को हिंड्रेंस, करंट को फ्लो नहीं करने देता है, उसको रोकता है, ठीक है ना। इसी को क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है रेजिस्टेंस क्या होता है, देख लो एक बार यार, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, ठीक। अब ये रेजिस्टेंस किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो लिख दो, दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज करेगा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, इसलिए ओम्स लॉ का पहला ही कंडीशन क्या है, एकमात्र कंडीशन है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का किस मटेरियल का वो कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा बताओ, दिक्कत दे रहा है यार यहाँ से,
लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब क्यों डिपेंड करता है, एक एक चीज़ को अगर हम बहुत डिटेल में आना चालू हो जाएंगे ना तो ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो फ़ायदा नहीं रहेगा अपने को। काम बस क्या है, स्टेटमेंट आना चाहिए। ओम्स लॉ आता है, पूछता है ओम्स लॉ के बारे में कि राइट स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ या व्हाट इज़ ओम्स लॉ, ऐसा करके पूछता है दो नंबर में या कभी कभी पाँच नंबर में, तो सब कुछ दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। तो ठीक है, क्लियर है क्या है? तो वी इक्वल टू आई आर, ये मेरा बिल्कुल कहते हैं ना इसको इलेक्ट्रिसिटी में के टॉपिक में ये राम बाण है, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में ये राम बाण है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। वी इक्वल्स टू आई हर जगह काम आएगा, हर जगह बोल तो रहे ये राम बाण है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक, चलो आगे चले, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फार्मूला डिराइव हो गया, हो गया। अच्छा एक पॉइंट और, यहाँ से इस फार्मूला से देखना, तो वी इक्वल्स टू आई आर लिखे हैं, यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं क्या, यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर हो गया, I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V वाई आर लिख सकते हैं, बताना हाँ या कि ना। अरे इसी फार्मूला से तो लाए हैं, कोई अलग से थोड़ी लाए हैं, V इक्वल टू वाई आर, तो I इक्वल टू V वाई आर, इस R को नीचे भेज दिए। एक बात बताना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस किस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो वोल्टेज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर रेजिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सब पॉइंट बना बना के पता है कहाँ पूछता है, ऑब्जेक्टिव में। तो करंट आई डायरेक्टली ऐसा लिख दें, छोटे में इसको देखो कैसे लिखे जाए, ज़्यादा स्पेज भी ना ले और लिख भी जाए, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो या तो ये वाला साइन लगा के वन बाई आर लिख दो, या फिर इसी को आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसा लिख दो, दोनों तरीका, कोई तरीका ले लो, ठीक है, लेकिन जनरली ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, जनरली ऐसे ही लिखा जाए, क्लियर है? तो करंट मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, पर पोटेंशियल डिफरेंस के, पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, रेजिस्टेंस का। यानी जैसे जैसे सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट का फ्लो कम होगा या बढ़ेगा, कम होते चला जाएगा। जैसे ही सर्किट में रेजिस्टेंस हम कम करने लगेंगे, करंट क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, हो गया, चलो लिख लो ये सारा पॉइंट अगर नहीं लिखा, चलो लिख लिए हो तो आगे आए, आगे आओ। नोट पॉइंट क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे, करंट डबल हो जाएगा, ऑब्वियस यार ये चीज़ देखो लिखवा तो बता तो चुके हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यानी कि अगर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को दुगना कर देंगे तो करंट भी दुगना हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हम, अब एक बात बता, अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, इनवर्सली है तो आधा हो जाएगा। तो वोल्टेज के केस में तो कोई भी टेंशन नहीं है, जितना बढ़ा दो करंट उतना बढ़ जाएगा, पाँच गुना बढ़ा दो वोल्टेज करंट पाँच गुना बढ़ गया, दस गुना बढ़ा दो वोल्टेज करंट दस गुना बढ़ गया। लेकिन रेजिस्टेंस के केस में सावधानी बरतना, क्योंकि अपोजिट है उसका, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेजिस्टेंस दुगना करोगे, करंट वन बाई टू हो गया, रेजिस्टेंस अगर टू टाइम्स करोगे तो करंट वन बाई टू टाइम्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर थ्री टाइम्स करोगे करंट वन बाई थ्री टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर फोर टाइम्स करोगे करंट वन बाई फोर टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए। तो ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव बना बना के खूब पूछता है, भर भर के सवाल ऑब्जेक्टिव बना के पूछता है। ठीक है, अभी आओगे जब सवाल बनाना MCQ चालू करोगे तो दिखेगा। ठीक, वही पॉइंट है। तो एक लाइन में इसको हम पीछे भी बता चुके हैं और वो बेस्ट लाइन है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए कि अच्छे से समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा है, वो यहाँ से समझ लो। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करें, करंट डबल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को आधा करेंगे, करंट भी आधा हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस के साथ क्या है कि रेजिस्टेंस को डबल करें, करंट आधा हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस आधा करें तो करंट डबल हो जाएगा। इन्वर्सली है, डायरेक्ट उसका इन्वर्स कर देना। ठीक है, क्लियर है? अब इससे ज़्यादा और क्या ही समझाएं। और रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या है, डिफाइन तो कर ही चुके हैं, फिर से डेफिनेशन आ गया। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, अपोजेज कह लो, हिंड्रेंस कह लो, कुछ भी कह लो। तो किसी कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी होता है, वो कितना करंट, फ्लो ऑफ करंट को कितना अपोज करता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस। किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है। इंसुलेटर में रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी बहुत हाई होता है, इतना हाई होता है कि करंट को फ्लो ही नहीं करने देता है, इसलिए करंट उसमें फ्लो नहीं करता है। और वहीं मेटल में बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस ये होता है रेजिस्टेंस, लेकिन बहुत कम होता है।
होता है जिसके कारण फ्लो आसानी से करंट कर जाता है, ठीक है। सबसे कम की बात करें तो सिल्वर है करीब करीब अपने पास बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है, सिल्वर। चलो सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो सिल्वर के बाद कॉपर आता है, इसलिए हम लोग कॉपर का वायर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, ठीक। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू, ये तो हो गया डिफाइंड। अच्छा रेजिस्टेंस हम लोग बोले हैं दो तरीके का होता है रेजिस्टेंस अपने पास में, कौन कौन सा सर दो तरीके का होता है सर? एक होता है फिक्स रेजिस्टेंस और एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको रियोस्टेट भी कहते हैं। तो एक फिक्स रेजिस्टेंस है और एक वेरिएबल है, वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है? रियोस्टेट। इसके बारे में अभी बहुत नहीं पढ़ना है, हायर स्टैंडर्ड में जाओगे 12th 12th में वापस से इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वहाँ रियो स्टेट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। वहाँ भी ज़्यादा तो फिक्स ही फिक्स्ड का ही सिलेबस है, लेकिन रियो स्टेट का वहाँ थोड़ा बहुत आइडिया लेना है, अभी तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं लेना है। ये वाला पॉइंट लिखवा चुके हैं कि किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, थिकनेस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, जो कि ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ज़्यादा अच्छा है उससे। सब कुछ लिखवा चुके हैं। हाँ रेजिस्टेंस का यूनिट ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है सर? ओम होता है, क्योंकि ओम नाम का साइंटिस्ट सबको डेवलप किया, तो उन्हीं के नाम पे उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए रेजिस्टेंस का क्या कर दिया हम लोग, ऐसा यूनिट को भी ओम रख दिया, ठीक है। इस ओम को डिनोट कैसे करते हैं? ये रिप्रेजेंटेशन ओम का, ठीक। चले आगे, आ गया। अब एक ओम को अगर डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करेंगे जरा बताना। एक ओम को डिफाइन करने के पहले वी इक्वल्स टू आई आर होता है, आर इक्वल्स टू वी बाई आई होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर एक ओम को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? अगर वी इक्वल्स टू आई आर होता है तो आई इक्वल टू वी बाई आर होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो हाँ कि ना, बोलो बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर लो, लिखेंगे 1 ओम इज द रेजिस्टेंस, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस सच दैट, 1 ओम इस तरीके का रेजिस्टेंस है सच दैट, इसको इसको इरेज कर दें अभी, इसको अभी इरेज कर दो, फिर वो समझाने वक्त आ जाएगा। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस सच दैट, हाँ समझाना तो था ही ना, तो वी इक्वल्स टू आई आर है, आर इक्वल्स टू वी बाई आई हुआ कि नहीं? तो 1 ओम कब कहेंगे 1 ओम है? कब कहेंगे कि 1 ओम है? जब 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर होगा तभी तो। इसको इस सच दैट 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड एंड 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो एंड 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज, इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज, 1 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो और 1 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो करे, तब क्या कहेंगे कि 1 ओम का रेजिस्टेंस जनरेट हुआ है, ठीक है, हो गया। चलो दो सवाल है जल्दी से कर लो, 3 सवाल है, उसके पहले ये ग्राफ देख लो, वी और आई के बीच का ग्राफ फूटता नहीं है जल्दी एग्जाम में, लेकिन फिर भी मेरे दिल को थोड़ा तसल्ली हो जाएगा इसके लिए ना, इस चीज़ के लिए ये ग्राफ देख लो, ठीक है, हमको नहीं लगे कि भाई कुछ छूटा है, तो लगे नहीं कि कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। चलो देखना जरा ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इधर बता रहे हैं, उधर जगह कम है तो इधर ही देख लो। वी और आई का ग्राफ मिलेगा, वी और आई का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? वी और आई के ग्राफ को ड्रॉ करने पे क्या मिलता है? रेजिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें, ये रहा मेरा वी और यहाँ रहा है वाई एक्सिस पे मेरा आई, पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या रहा? करंट। जब इसको प्लॉट करते हैं ना पूरा रिलेशन विलेशन बना के, तो कुछ इस शेप का बनता है मेरा ग्राफ, ओरिजिन से चालू होगा लाइन, ओरिजिन से चालू होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, ये मेरा ग्राफ, ठीक है, ये मेरा ग्राफ हो गया। बस इतना सा पॉइंट बताना था, अब इतना सा पॉइंट कर लिए, अब लगातार 3 सवाल करेंगे, करें 3 सवाल, इसको इरेज कर दें, तो इसको ड्रॉ कर लो और उसके बाद इसको हम क्या कर दे रहे हैं, छोटा, जहाँ जो था वहाँ आ जाओ, ठीक है, हो गया। चलो अब ये 3 सवाल जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे, करें आगे। चलो तो पहला सवाल देखो क्या है, देखो पहला सवाल क्या है, पढ़ो पहला सवाल।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। सबसे पहले जो जो गिवन है वो सटासट लिख दो कि गिवन डेटा क्या है, गिवन क्या है, गिवन डेटा करंट दिया है, कितना दिया है सर, तो करंट दिया है 2 एम्पियर का और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है पॉइंट 2 एम्पियर का, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है सर 0.1 वोल्ट का, इतना ही दिया है ना, 0.1 वोल्ट का। बोलता है रेजिस्टेंस बताओ दोनों पॉइंट, क्या है यार, लो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमको क्या मालूम है, वी इक्वल्स टू आई आर। हाँ सर रेजिस्टेंस निकालना है सर, वी बाई आई कर दें, आई को नीचे डिवाइड में कर, हाँ सर आर बराबर वी है 0.1 वोल्ट, ये है मेरा 2 एम्पियर, यही होता है। अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा बता, 0.05 ओम आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो यस और नो, खत्म हो गया आंसर। देखो कितना छोटा सा सवाल था, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ 1। ठीक, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। बस बनाते चलना न्यूमेरिकल बुक का भी अपना, ओम्स लॉ से। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर, इस बार करंट कितना दिया है 3.4 एम्पियर, 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट कह दिया है। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉन व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन, तो ये इलेक्ट्रिक करंट कितना क्या करेगा, रेजिस्टेंस को क्या करें, रेजिस्टेंस को, व्हेन व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ, कितना करंट ड्रॉ करेगा अगर ये कनेक्ट कर देंगे 110 वोल्ट के सप्लाई लाइन से। ठीक है सर, तो सबसे पहले तो इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस निकाल लें, वो तो फिक्स रहने वाला है, वो तो फिक्स रहने वाला है, रेजिस्टेंस कोई वोल्टेज और उस पर डिपेंड थोड़ी करता है, वो तो फिक्स रहने वाला है। तो उसको पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, यहाँ से आई और वी दिया हुआ है, हाँ यहाँ से क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस, तो वी दिया है मेरा 220 वोल्ट। ठीक है, ये पोटेंशियल, एक मिनट ऐसे लिख लो कि वोल्टेज ऑफ आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन नहीं, आयरन लिख लो डायरेक्ट, 220 वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट कितना एब्जॉर्व कर रहा है वो 3 एम्पियर, 3 एम्पियर का है ना, देखना तो जरा, 3.4 एम्पियर है, कितना है 3.4 एम्पियर, पीछे 3.4 ही है, 3.4 एम्पियर। ठीक है, 220 वोल्ट, यहाँ से क्या निकाल लेंगे सर, रेजिस्टेंस निकल जाएगा, क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, वो तो फिक्स रहने वाला है, किसी भी करंट में जोड़ दो भाई, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ही अपने पास में इसके लिए, तो V इक्वल्स टू आई आर, तो R निकालना है, V बाई आई हो गया, 220 वोल्ट डिवाइड में 3.4 एम्पियर। ठीक है, इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा करीब, ये रेजिस्टेंस करीब आ जाएगा 64.7 ओम, रेजिस्टेंस कितना आएगा 64.7 ओम, दिख रहा है सब कुछ, बड़ा आसान सा है, फटाक सा हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, क्लियर। अब अगर रेजिस्टेंस इस आयरन का आ गया, रेजिस्टेंस आ गया इस आयरन का, और क्या पूछ रहा है कि अब इसको 110 वोल्ट के सप्लाई लाइन से जोड़ देंगे तब इलेक्ट्रिक करंट कितना ड्रॉ करेगा, नहीं निकल जाएगा, रेजिस्टेंस तो फिक्स रहने वाला है इसका, तो क्या लिखेंगे, एज रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, ऑफ आयरन विल बी कॉन्स्टेंट फॉर द न्यू कनेक्शन, कॉन्स्टेंट फॉर द न्यू कनेक्शन इन द सर्किट, सर्किट में जो न्यू कनेक्शन आ रहा है के लिए कांस्टेंट रहने वाला है, हेंस हेंस इस बार पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर्किट में, बोल रहा है 110 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना निकालनी है 64.7 ओम निकालनी है, तो V इक्वल्स टू आई आर से I निकलेगा इस बार, V बाई आर, V कितना है 110 वोल्ट और ये कितना है 64.7 ओम, तो आई कितना आ जाएगा, क्या डिवाइड करो कितना आ रहा है, देखो जरा 1.7 एम्पियर आ रहा है करीब, 1.7 एम्पियर, ये फाइनल निकालना था आंसर, ये फाइनल आंसर अपने को निकाल देना था, निकल गया, ये 3 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, देख लिए, और थर्ड क्वेश्चन, बोलो सर कितना जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, क्योंकि यार टाइम कम है ना, टाइम कम है, पढ़ना बहुत है, आ गया फिर से वही सवाल हो गया क्या, दो दो सवाल एक ही सवाल आ गया।
दो एक ही आ गया। एक काम करो, तो तुम मेरे तरफ से क्या करो, इस सवाल को होमवर्क ले लो, डिट्टो सेम सवाल। अब ये इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर खींच रहा है, और इसका सर्किट किससे कनेक्ट कर दें, इसके सर्किट को अब हम कनेक्ट कर दे रहे हैं 440 वोल्ट, 440 वोल्ट लग गए, 440 वोल्ट छूने से तेरे, है ना, 440 वोल्ट। तो अब 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट और 440 वोल्ट की सप्लाई से करेंगे, तब इलेक्ट्रिक करंट कितना खींचेगा वो कैलकुलेट कर। सेम प्रोसेस है, यही सेम तरीका, बस वैल्यू चेंज है, कर लेना यार, ठीक है, कर लेना। और जल्दी से अब ये तीन चार फैक्टर पे आते हैं, तीनों चारों फैक्टर तो डिटेल में डिस्कस कर ही दिए हैं कि किस पे डिपेंड करता है। कौन सी बड़ी चीज़ है भाई इसमें कि नहीं पता है हम लोग को, बता, चारों फैक्टर मालूम है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और ख़त्म करते हैं इसको आज। किन किन की चीज़ पर डिपेंड करता है, सबसे पहला नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का नेचर कैसा है, मतलब कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। दूसरा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, इसलिए तो कांस्टेंट टेम्परेचर कि टेम्परेचर अगर चेंज कर जाएगा ना, तो उसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बदल जाएगा, समझ रहे हो। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे किसी का रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस 1 ओम तो नहीं रहेगा, ठीक है, चेंज कर जाएगा। अब ज़्यादा होगा कम होगा ये आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, क्या इफेक्ट होता है, ये फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, इसी का अब इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड क्या है अपने, तो नंबरिंग से लिख दें क्या, काम करो इसको नंबरिंग से लिख लो, उससे क्या रहेगा ना, दिक्कत नहीं होगा। पहला क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कितना लंबा है, पहला फैक्टर यही है डिपेंड। जैसे 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 अपने को पढ़ना है वैसे वैसे लिखते चल रहे हैं। क्रॉस सेक्शन है, फिर मटेरियल है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर क्या है, और आखिरी क्या था, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना, ठीक। तो आज यहीं तक रखते हैं, और इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, बना रहे हो तो बना लेना, बना ही लेना यार, सब कुछ तो पढ़ा रहे हैं, कहने के लिए शॉर्ट रिवीजन क्लास टाइप का ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। नोट्स बढ़ा लेना, पढ़ते चलना, नोट्स पढ़ के आना। नोट्स पढ़ते रहने से क्या होता है ना कि दिमाग में सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और कल को के जब आगे बढ़ेंगे तो ये जब एक्सप्लेन करें कि कैसे लेंथ पे डिपेंड करता है, कैसे क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, कैसे नेचर पे डिपेंड करता है, कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस किस तरीके से बदल जाता है रेजिस्टेंस, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और अब इससे ज़्यादा आगे तो आज नहीं होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा तो अपना हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल बनाते चलना। ओम्स लॉ का सारा न्यूमेरिकल बना लेना, बन जाएगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ का सारा न्यूमेरिकल चुन चुन के बना देना, तब तक के लिए चलो अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।